सो ही हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को दूंगी दही मिर्ची की रेसिपी, जो कि बहुत ही प्लेन और सिंपल तरीके से इसको मैं आज यहाँ पर बनाने वाली हूँ, जिसको रोटी चावल के साथ जो है कैसे भी खाया जा सकता है। अगर घर में कभी सब्जी नहीं बन रही है या फिर कभी होती है ना सब्जियाँ नहीं होती, और वैसे भी तो अभी सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी चल रही, तब आप ये जो रेसिपी है दही मिर्ची की आप बनाकर खा सकते हैं रोटी के साथ और चावल के साथ भी अच्छे से इंसान ना पेट भर बनाकर खा सकता है। तो चलिए, तो इसके लिए ना यहाँ पर जो है मैं मिर्ची का यूज़ करी, जो बड़ी वाली मिर्ची होती है ना, जो मिर्चियाँ तीखी नहीं होती है, तो वो मिर्ची ले लेना है और उसको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद उसको ना हम लोग कट कर लेंगे, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख ही सकते हैं, जैसे कि मैं कट लगा रही हूँ। तो सारी मिर्चियों को जो है ऐसे ही यहाँ पर हमने कट कर लेना है। ध्यान रखना है मिर्ची में पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो तेल में जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा उड़ेगा। तो यहाँ पे एक बर्तन लेना है, बर्तन में डालना है थोड़ा सा तेल डालना है, उसमें डालेंगे थोड़ा सा राई, और राई और कड़ी पत्ता, मैं यहाँ पर सूखे वाले कड़ी पत्तों का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और दोनों को जो है बहुत अच्छे से पक जाने देना है, सरसों दाना जो है अच्छे से फूट जाए। उसके बाद इसमें जो हमारी हरी मिर्ची है जो हमने कट करके रखी थी, ध्यान रखना है ये बड़ी वाली हरी मिर्ची यहाँ पर लेनी है, ठीक है। और इसको फिर बहुत अच्छे से जो है हम अच्छे से भून लेंगे। मिर्ची को पहले ना अच्छे से फ्राई हो जाने देना है, मिर्ची में थोड़े से दाग लग जाने चाहिए। तो जब तक जो है मिर्ची को फ्राई कर लेना है, बहुत ही प्लेन और सिंपल सी प्रोसेस बता रही हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग जो है इसको बना कर 1 से 2 दिन तक का भी जो है स्टोर करके रख सकते हैं। और फिर जब मिर्ची जो है थोड़ी सी हमारी फ्राई हो जाए तो उसमें हींग डाल देना है, और हींग के साथ जो है कुछ टाइम तक मिर्ची को जो है अच्छे से हम लोग भून लेंगे। इसको ना यहाँ पर जो है इसको ढकना वकना नहीं है, नहीं तो मिर्ची जो है ढक के पकाओगे तो फिर वो पानी छोड़ेगा और फिर ज़्यादा उड़ेगा। तो सारा प्रोसेस जो है बिना ढके ही यहाँ पर करना है। और फिर इसमें डाल देंगे हम लोग स्वादानुसार नमक डाल देंगे, नमक आप लोग अपने हिसाब से डालें, स्वादानुसार नमक लेना है। और फिर नमक के साथ भी जो है थोड़ा सा ना इसको नमक के साथ भी अच्छे से भून लेना है, जिससे जो है नमक जो है मिर्ची में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और फिर इसमें डाल देंगे मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर मैं यहाँ पर तीखा वाला जो होता है ना, जैसे कि ये जो मिर्ची होती है ये तीखी नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर मिर्ची पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोग अपने हिसाब से जो है तीखा कम ज़्यादा यूज़ और मिर्ची पाउडर का जो है यहाँ पर कर सकते हैं। और इसमें डाल देना है थोड़ा सा हल्दी, यही 2 मसाले हैं जो इसमें जाएंगे, और जो और कोई मसाला जो है इसमें नहीं जाएगा। और मसालों के साथ जो है थोड़ा सा 1 से 2 बार अच्छे से भून लेना है, फिर डाल देना है इसमें हमने, मैं दही का यूज़ यहाँ पर कर रही हूँ, इसमें जो है मैं दही डाल रही हूँ। घर की बनी हुई दही आप लोग कोई भी दही ले सकते हैं, लेकिन दही को जो है बहुत अच्छे से फेंट लेना है। और इसमें जो है हम डाल देंगे मिर्ची में, और अच्छे से जो है इसको मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। साथ ही मैंने थोड़ा सा ना यहाँ पर जो है पानी का यूज़ किया है मैंने, तो आप लोग देख सकते हैं जब ये पकेगा ना, तो पक पक के जो है ये पूरा ऐसा थोड़ा सा सूख जाएगा ये। तो यहाँ पर अभी ये बहुत अच्छे से जो है बन गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब ये यहाँ पर जो है खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, और ऊपर से जो है इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, बहुत ही प्लेन और सिंपल सी दही मिर्ची की रेसिपी है ये। जब कभी घर में सब्जी ख़त्म हो जाए या सब्जी नहीं रहे, तो आप लोग जो है ये रेसिपी बनाकर रोटी के साथ और चावल के साथ जो है इंसान पेट भर खाना खा सकता है। आप लोग ये ट्रैवलिंग में भी लेके जा सकते हैं। ध्यान रखना है दही जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर खट्टी वाली यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, जो मीडियम वाली होती है ना, 1-2 दिन जो बनी हुई दही होती है घर की, तो आप लोग वो वाला यूज़ कर सकते हैं। और ये दही मिर्ची जो है आप लोग बनाकर खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे ही जो है ना प्लेन और सिंपल सी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।